अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर ही रहे तो अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी धोखा होता है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेले रहने की कला कितनी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुटता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं।